किसी और घर चले जाओ, उस घर का अलग होगा सिस्टम फिर जी, हर एक अलग अलग। घर में भी ऐसे बनाते हैं पकौड़े। आपको आता तो सारा काम है। ये फॉर्म किसके, हमारे किसका कल रहा है यहाँ पर? चलो काम आ जाएगा, आराम से रिलैक्स फील हो गया, छत गर्म हो गया यहाँ तो रिलैक्स फील करके खाएंगे। अभी ये ले आइसक्रीम। यू आर वेलकम। ऑफिस से आया हूँ तो यहाँ पर अफ्तारी की प्रिपरेशन हो रही है, और ये जो है ना दोबारा से पास्ता बनाया जा रहा है, क्योंकि कल जो पास्ता फातिमा ने बनाया था ना वो था विदाउट चिकन। आज चिकन डालना भूली तो नहीं ना, तो कल इतना मज़ेदार गाइस पास्ता बनाया था कि मैंने फरमाइश की कि इफ्तारी में भी ना आप पास्ता बना सकें, तो उन्होंने बोला बिल्कुल क्यों नहीं बना सकती, आप बोले और मैं ना बनाऊँ, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर मेरी फरमाइश से दोबारा से अफ्तारी में बनने लगा है पास्ता, इस वक्त जो है तड़का लगा रही हैं और अफ्तारी में इस वक्त एक घंटा रह गया है। तो चलें जी, अभी मैं भी ऑफिस आया हूँ कोई 5 मिनट पहले, और अभी करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत होंगे, जहाँ भी होंगे खुश खुरम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। चैनल से नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, चलो शेयर भी कर दें। तो चलें जी अभी जल्दी से फ्रेश होते हैं, अफ्तारी की तैयारी करते हैं। तैयारी तो ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है, फ्रेश होता हूँ। इसी में कल लेके आया था मिट्टी के कुछ बर्तन हैं, जिसमें जो है ना एक तो मैं बड़ा वाला जो ये वाला है ना ये मैं लाया था दही के लिए, और उसके अलावा दो ये लाया था, एक जो है ना परिंदों के पानी के लिए और दूसरा परिंदों के बाजे के लिए। तो ये आज जो है ना अफ्तारी के बाद छत पे जो टैंकी है ना उसके ऊपर रखेंगे, ताकि परिंदे जो है ना दाना खा सकें और जो है ना पानी पी सकें। तो ये आज अफ्तारी के बाद लाजमी करना है। आप मुझे याद दिलाएगा, मैं कल लेके आया था और मैंने बिल्कुल नहीं कर सका। कल ये मैंने देखे तो मैंने कहा कि आपको आइडिया हो गया था? जी मुझे आइडिया हो गया था, और मैं सोच रही थी कि आपको कहूंगी कि आप लेकर आइएगा छत पर रखेंगे। अक्सर मैंने देखे छत पर ना परिंदे आकर बैठते हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं है कि उनको मैं डालूं। तो बाजरा लेके आना, इसके अंदर बाजरा डालेंगे। हाँ बाजरा ही अच्छा है, बाजरा और एक में पानी डालेंगे, सही है जी। फिलहाल जो ना मैं सोच रहा हूँ 5-10 मिनट के लिए ना, इस वक्त गाइस बहुत थका हूँ, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम के, तो मैं सोच रहा हूँ 5-10 मिनट के लिए लेट जाऊँ। लेकिन मुझे इतना आइडिया कि अगर मैं 5-10 मिनट के लिए लेटूंगा ना तो फिर सॉरी कह रहा हूँ रोजा भी से लगने स्टार्ट हो गए, अफ्तारी से पहले ही आँख खुलेगी। तो क्या कहती है, कोई काम करवाना है मुझसे बता दें? वरना जो ना मजदूर जो ना अभी सोने लगा है। नहीं नहीं आप सो जाए। सो जाऊं? वैसे इससे पहले मैंने कहा लेटने लगा 5-10 मिनट के लिए, अभी जो ना फौरन से मैंने ना, मुझे पता है गाइस मैं सो जाता हूँ अफ्तारी से पहले ही, फिर आँख खुलती है, क्योंकि ऑफिस से जैसे आता ना तो काफी थका होता हूँ, थोड़ा रेस्ट करने के लिए सोता हूँ ना तो फिर जो है ना सो ही जाता हूँ। अभी हम बना रहे हैं पकौड़े, तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें वॉश कर ली है, तो आज अम्मी के तरीके पर हम बनाएंगे पकौड़े। चलें जी अभी लेकर चलते हैं। ये ले अम्मी, बताती हूँ कि किस तरह मसाला इसका बनाते हैं। बेसन थोड़ा डालना पड़ता है और मसाला ज्यादा डालना पड़ता है, फिर बहुत अच्छे बनते हैं। जदवाली फूल कट कर रही हूँ, उनको ना मैं काटना सिखा रही हूँ कि आप लोगों का हर एक घर का अलग अलग होता है वो सिस्टम जी, मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। हमारे घर में जैसे कटते हैं हम उसी तरह आपको बताते हैं, जैसे आप लोग अपने घर में बनाते हैं वो अलग ही सिस्टम है। किसी और घर चले जाओ, उस घर का अलग होगा सिस्टम फिर जी, हर एक अलग अलग। तो अम्मी ने एक प्याज है काट लिया है, और ये वाला प्याज मैं काट रही हूँ। ऐसे पतली काटते हैं ऐसे, अम्मी मेरे वाले प्याज देखें बहुत प्यारे कटे, बहुत प्यारे है ना। हाँ। आपको एक बार आता है आपको? मैं भी ऐसे बनाते हैं पकौड़े। आपको आता तो सारा काम है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आता जी, तो सिर्फ ये है कि तरीका अलग होता है। मैं आपको मसाला दूसरा भी डलवाऊंगी। चलो ठीक है, और यहाँ पर सारी चीजें कट हो चुकी हैं, अब आगे का भी बता दें अम्मी। चलो आज का दिन मैं तुम्हें बता देती हूँ जी। हाँ, और यहाँ पर भाभी ने शरबत के लिए, टैंक के लिए, रमनी के लिए जो है ना पानी में चीनी भिगो के रख दी है, और अभी अम्मी डालने लगे अम्मी मसाले। चलें जी, तो यहाँ पर अम्मी को मैंने सारी चीज़ें जमा कर दी। अम्मी सबसे पहले बेसन। हाँ नहीं, मसाला भी डाल सकते हो, बेसन भी डाल सकते हो, जो दिल करे। अच्छा, जो दिल करे वही डाल सकते। लाल मिर्च अब हाँ इसमें तो अंदर वो भी नहीं, चम्मच भी नहीं। अच्छा, चावलों का आटा। चावलों का आटा, इससे पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं है ना जी।
हमें तैयार हो गए वैसे। हाँ, छोटे छोटे बनाना सही है जी। अभी मैं नमाज असर की नमाज पढ़ लूँ जी। बहुत हो गया जी। थैंक यू अम्मी। और साथ भाभी समोसे ट्राई कर लिए और ये बर्तन के पकौड़े वाले मैंने वॉश कर लिए। कभी देखे चलते हैं ऊपर। चलें जी, इस वक्त अफ्तारी में सिर्फ 5 मिनट बाकी है और मैं जो है नींद पूरी करके उठ गया हूँ, तो अभी छत पे जाने लगा हूँ अफ्तारी करने। ओए ओए ओए, छत पे क्या हवा चल रही है मज़ेदार। ये देखें गाइस, बड़ा ही हुआ भी मौसम बड़े माशाल्लाह। और भाई कोई देखते के बोले ना, भूख बढ़ गई। और भाई कोई आए ना आए, आमिर भाई जरूर जो ना पहले आ जाते हैं। सबसे पहले आऊंगा सामान लेकर बेटा, मैं आता हूँ पराठा। और साथ में देखो मैंने जो है सबसे बेहतरीन इन्वेंशन जो की ना वो ये की। क्या बात है। मिर्ची और साथ में ये क्या बोलते हैं इसको, खीरा। व्यू चेक करें इस वक्त माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा व्यू हो रहा है और बहुत ही प्यारा मौसम और हवा चल रही है। चलें जी, चंद लम्हे बाद अजान हो जाएगी और फिर रोज़ा अफ्तारी होगी और मिलते हैं गाइज आप सब से रोज़ा अफ्तारी के बाद। अच्छा जी, अफ्तारी के बाद अभी बाहर जा रहा हूँ क्योंकि बाहर बाबर आया हुआ है, उसके साथ एक छोटा सा काम है वो करने जाना है। और आपने कुछ मंगवाना है बाहर से? बाहर से दही बनानी है। दही बनानी है, कल मिलाया था ना वो। अच्छा हाँ, दही से याद आया मुझे, वो भी लाना है परिंदों के लिए खाना। वो भी लाइएगा और दही अगर बनानी है आज तो दही लेकर आइएगा और दूध भी लेकर आइएगा। अच्छा ठीक है, दही जो है ना आज लेके आया था, वो जो ना हम सहरी में यूज भी कर लेंगे और इससे न्यू दही भी बना लेंगे। ठीक है, और कितना दूध लाने? तकरीबन 1 केजी लाएगा। 1 केजी तो कितने दिन चल रही है? कितने दिन? तकरीबन 3-4 दिन चल गई है। अच्छा जी, वरना जो ना हम डेली आधा किलो लाते थे खत्म हो जाते थे ना, क्योंकि हम लस्सी बनाते हैं और फिर शाम का रायता बनता है बस, और कोई घर में कोई खाता ही नहीं है। हाँ। आप जो है ना लाल सिटी के आगे जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? अभी यहाँ से स्ट्रेट गए, यहीं पे रुक रुक के गए, यहाँ पे पार्किंग नहीं थी, पीछे गाड़ी आ गई, पीछे गाड़ी आई, आपने साइड में पार्क नहीं की, आप स्ट्रेट चले गए। आप किधर पार्क है? वो आगे आप पीछे, वो नहीं बोला ये है ही नहीं, कहाँ गया? मैंने बोला कि तो बंगले पे ना खड़ा हो पाए, वो पीछे आप आगे। मैंने बोला पता नहीं क्या इसको पार्क करने नहीं आ रही क्या सीले। चलो मैं यहाँ पे रुका, पहले यहाँ पे खड़ा रहा ना, ये जहाँ पर बंदे नहीं बैठे हुए, रुका रहा मैं काफी देर तक। चलो अभी चलते हैं वरना दूसरी गाड़ी आ गई ना फिर आप जो ना भगा देंगे गाड़ी। अभी जो ना जल्दी से बैठ लेता हूँ वरना फिर कोई गाड़ी आएगी ना। अरे लॉक है भाई, जैपनीज लॉक है बेटा, जैपनीज लॉक, नाइस लॉक। चलो भाई चलो जी, चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भाई, और आप बताओ भाई कैसे जा रहे रोजे? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं। आप सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत खराब होगी इस रमजान में, बाकी तो सही गुजर रहे हैं। क्या हुआ? हाँ मैचेस खेले ना आपने? यार मैचेस की वजह से पता नहीं किस वजह, हो सकता है मैचेस की वजह से क्योंकि मैं भागता तो हूँ नहीं। हाँ ये भी, वहाँ पे जाके भागता रहा हूँ इस वजह से हो गया मेरा काम हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा जिस्म में ना पेन स्टार्ट हो गया होगा जब बड़े अरसे बाद आप खेलो ना, तो उसके बाद दर्द तो था, पेन तो था उस दिन। मैं आमिर को बोल भी रहा, आमिर बोलता है मुझे भी ये मसला नहीं, कल तक ठीक हो जाएगा। हाँ अगर आप जो रेस्ट करोगे ना, आप खेलते रहो ना कंसिस्टेंट, अगर छुट्टी कर लेते ना फिर शायद ठीक रह जाते हम लोग। हाँ बस यही सीन है। तो खैर मैंने भी गाइस इस रमजान में एक दिन भी क्रिकेट नहीं खेली और जो है ना इंशाल्लाह कंटिन्यू करनी है, अब देखते हैं कब कंटिन्यू करते हैं। मैं तो बोलता हूँ वही हमारी यही डी सीट पर। हाँ ये गाइस यहाँ पर हम लोग ना अदनान सिद्दीकी साहब के घर के पास बिल्कुल यही पर ही खेले तो अच्छा है। पता है क्यों? वो बड़े ग्राउंड में लेंगे थे ना, एक तो 6-6 ओवर का मैच रखते थे, वो 12 ओवर का मैच बन जाता है, वो एक मैच में बैटिंग आती है, 3 मैच में बैटिंग आती नहीं है। गाइस ये वो जगह है, बाहर हो जाता है बंदा। अभी यहाँ पर रात में बच्चे खेल रहे होते हैं, यहाँ पर खेलते हैं हम लोग, उस साइड पे खेलेंगे। चलो कोई मसला नहीं है, उनके साथ ही खेल लेते हैं, उस साइड पे खेलने के आते हैं हम दोनों ही होते ना, तो हम उनके साथ ही खेल सकते हैं। ये भी है। तो खैर चलें जी, अभी जो है ना बाबर साहब की गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं। हाँ भाई आज जा रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा कब से काम था, गाड़ी लेने से पहले की बात हुई थी, लेकिन वो कुछ मसले हुए थे, वो थे नहीं यहाँ पर, तो बस गाड़ी फिर रोड पे लावारिस की तरह खड़ी रहती थी। ऐसे ये वो फ्राइडे को आए हैं, इस फ्राइडे को आए हैं, तो मैंने बोला सबसे पहले आपका काम कर देते हैं। भाई बाबर भाई की गाड़ी जो ना हम बेच के जो ना अब घर जा रहे हैं। अरे यार गाड़ी पहले पार्क करवा दी और मुझे जो ना सामान लेना था, अब जो ना बाइक निकालनी पड़ेगी। चलो खैर कोई फायदा नहीं है, अभी फ्री हो या कोई काम कर रहे हो? नहीं घर पे नेट लगवा रहा हूँ। चलो तुम जाओ, मैं ज्यादा बाइक निकालता हूँ। हाँ, वो फाइबर का ये जो नेट लगवाया हुआ ना, 2 मिनट आता है 5 मिनट नहीं आता। अच्छा तो इसलिए अभी मैंने बोला इसका हाल बता,
बोले भाई पाइप लगवा लो, मैंने बोला पाइप लगवा दो, उसका भी हाल बोलते हैं यही सबसे अच्छे, देखते हैं अभी क्या होता है। चलो अभी एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ बाइक निकालता हूँ, सौदा सामान पकड़ता हूँ, फिर रात में अगर क्रिकेट का मूड ना फिर खेलते हैं रात में। कल फाइनल देखा था? कल फाइनल जीत गए इस्लामाबाद, मैं मुल्तान के साथ मिला हुआ था कल। हाँ नहीं इस्लामाबाद मुझे अच्छी टीम लग रही थी, दोनों दोनों अच्छी थी। हाँ क्योंकि ना सारे यंगस्टर्स थे, आजम खान, असल में इनके पास सारे टुल्ले थे, टुल्ले मोनरो, एक भी चल जाता है ना, एक भी चल जाता है पूरी गेम निकाल साइड पर देख, सिर्फ एक ही था ये इफ्तिखार। चलो भाई मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, चलो मैं यहाँ से जाऊँ, ठीक है नहीं तो जाएगा। हाँ यहाँ से जा रहा हूँ आज, चलो ओके अल्लाह हाफिज़। मैं भी यहीं चलता हूँ। चलो भाई ठीक है, यहाँ से बड़ी गली से जाएंगे गाइस आज। तो गाइस इन गलियों में भी ना बड़ी क्रिकेट खेली है, और यहाँ से सीधे हाथ पे जाए ना फर्स्ट गली में तो बाबर साहब का ना पहला वाला घर आता है, याद है फ्लैट में रहते थे हम लोग, वो जो आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, बड़ू अंकल के घर पे फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, और मैं अक्सर बुलाने आता था क्रिकेट के लिए। अभी यहाँ से लेने आया हूँ दूध और दही, और यहाँ पर गाइस जब भी ना लाइन लगी होती है तो लाइन में लग जाते हैं। तो गाइस अभी यहाँ से लेने आया हूँ परिंदों के लिए बाजरा, और यहाँ पर मेरे दोस्त भी होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल रमज़ान क्रिकेट का सीज़न चल रहा है तो इसीलिए अभी वो शॉप पे अवेलेबल नहीं है। तो भाई साहब यहाँ से मैंने जो है ना 1 किलो बाजरा भी ले लिया। यहाँ पर आइसक्रीम भी मौजूद है, फातिमा और भाभी के लिए आइसक्रीम ले लेते हैं, तो अच्छा हुआ यहीं से मिल गई, किसी और शॉप नहीं जाना पड़ा। ये कौन से चोको डिप, इससे बड़े वाली देख लेते हैं भाई साहब, ये चोको डिप इसी साइज़ में अवेलेबल थी, इसके बड़े साइज़ में होती लेकिन यहाँ पर नहीं है तो यही पकड़ लेते हैं भाई। तो गाइस यहाँ से लेने आया था मैं फ्राइज़, और फ्राइज़ ले लिए हैं, और पीछे जो ना मेरे स्टेडियम है फुटबॉल का, और यहाँ पर जो ना रात को मैचेस होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, अंदर मैच अभी मेरे ख्याल से चल ही रहा है। तो जी बाइक जो है ना मैंने आज टाइम से ही अंदर कर दिए, क्योंकि इस वक्त 11:30 बज रहे हैं और फातिमा का वैसे मूड नहीं है कहीं बाहर जाने का, मैंने उससे कहा कि बाहर चलते हैं तो उसका मूड नहीं बड़ा, तो चलते हैं मैं प्राइस लेके आ गया हूँ। अब जो है ना फातिमा के लिए चाय बनाते हैं, इफ्तारी करने के बाद नमाज अदा की है, तो अभी करते हैं किचन की सफाई, बर्तन भी वॉश करते हैं और चूल्हे भी साफ करते हैं।
पूरा किचन साफ कर लिया, नीचे से झाड़ू लगा लिए, ऊपर की भी सफाई कर ली है और चूल्हे भी साफ कर लिए, और साथ ही में जो बर्तन थे वो भी सारे मैंने वॉश कर लिए। अभी ये सारे बर्तन गीले हैं, जब सूख जाएंगे फिर इन्हें भी रख देंगे। और ये देखें माशाल्लाह से किचन कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि अभी सफाई हो चुकी है ना इसलिए। और अभी हमारा आखिरी काम रहता है कि हमने चावल और सालन भी रखना है, उसके बाद ये वाले बर्तन धोने, उसके बाद किचन का काम हो जाएगा ख़त्म। तो अभी मैंने चावल भी बॉक्स में डाल लिए और साथ ही में सालन भी बॉक्स में डाल लिए, तो अभी फ्रिज में रखते हैं। चलें जी अब ये वाले बर्तन भी वॉश कर लेते हैं। चलें जी, तो ये वाले बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए हैं, तो अभी हमारा किचन का काम हो चुका है बिल्कुल ही ख़त्म। तो मैं जो है ना आपको नीचे ढूंढ रहा था और आप ऊपर हैं। चलें भाई यहाँ पर, और यहाँ पर आमिर भाई साहब भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, फुल यहाँ पर जो ना ठंडी ठंडी हवा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ये लें, सबसे पहले जो ना ये लेके जाएं, आपके और भाभी की आइसक्रीम में मेल्ट ना हो जाए, ये रख लें। और ये जो ना मैं लाया हूँ बाजरा, ये अभी जो ना रख देते हैं, ठीक है? अभी कब रखें? शहरी ग्राम कहाँ रखनी है? मैं कह रहा हूँ ऊपर टॉप पे रखते हैं। मैं ऊपर चढ़ जाऊँगा, डेली चढ़ेंगे ऊपर, मतलब के पानी फिल करने, तो वहाँ डेली चढ़ना होगा ना। ये काम कर देना। तो भाई साहब आमिर मशवरा दे रहे हैं कि हम जो है ना यहाँ पर कबूतर भी आते हैं। क्या क्या कह रही हैं आप? जहाँ पर भाई बता रहे हैं ना, यहाँ पर कबूतर ना बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए मैंने कहा कि हम यहीं पर ही रखते हैं। अच्छा यहाँ पर, तो आमिर और फातिमा दोनों कह रहे हैं भाई यहाँ रख देते हैं, आराम से पानी भी चेंज कर लेंगे। सही है, ये भी आइडिया अच्छा है, यहाँ रख देते हैं भाई। ये सामने जो ना यहाँ पर ये खाली जगह है भाई, ये जो ना टैंकी की छत ये सामने आएगी, तो यहाँ रख देंगे, कोई मसला नहीं, यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? ये ना फॉर्म इसके ऊपर देते हैं। कौन सा? हाँ भाई यहाँ फॉर्म भी रखा है इसके ऊपर देते हैं। ये फॉर्म किसके? हमारे? किसका कल रहा है यहाँ पर? चलो काम आएगा। चलो कबूतर आराम से रिलैक्स फील होगा, छत गर्म हो गई ना यहाँ, तो रिलैक्स फील करके खाएंगे। चलो फिर जो है ना सहरी के टाइम भी रख देंगे, ठीक है? बेशक। इस वक्त जो है यहाँ पर जो है ना गाइस बहुत ही ज़बरदस्त हवा चल रही थी, बहुत ही प्यारा माहौल होता है इस वक्त, तो यहाँ पर थोड़ी देर सांस लेते हैं और फिर बाद में नीचे जाएंगे। मेरे हस्बैंड आ गए हैं बाहर से और लाए दूध दही और साथ में ये बाजरा लाए हैं और किसी के साथ नहीं आइसक्रीम मेरी और भाभी की, तो चले आइसक्रीम पिघल ना जाए, तो चले भाभी को देते हैं आइसक्रीम और फिर वापस आते हैं ये चीज़ें ले रखते हैं। अभी ये लें आइसक्रीम। यू आर वेलकम। सो रही थी? नहीं मैं अभी नमाज पढ़ती हूं। चलो ठीक है, फैन ऑन कर दो जी। ये सामान रखते हैं, उसके बाद आइसक्रीम खाते हैं। Few moments later. प्राइस निकाल लेते हैं और जो ना प्राइस के सब कुछ मैं क्या लाया हूँ, चटनी, हरी चटनी पसंद है ना आपको? जी मुझे भी काफ़ी पसंद है, तो हरी चटनी भी लाया हूँ। तो गाइस ये मिली है हमें प्राइस के साथ हरी चटनी, ये देखिए गाइस। वैसे मैंने सुना है ये जो ना स्टेडियम के बाहर है जहाँ से प्राइस लेके आया ना, तो यहाँ पर काफ़ी रश होता है, और मैंने सुना यहाँ के प्राइस ना बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ पर खेले जाते हैं ना फुटबॉल जी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के प्राइस बहुत अच्छे हैं, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक था, तो मैं यहाँ से प्राइस लेके आया हूँ। मेरे ख्याल से आज आप फर्स्ट टाइम मेरे हाथ की चाय पीने लगी ना जी, टाइम आपने फरमाइश तो की है लेकिन चाय भी फर्स्ट टाइम आप पीने लगी ना मेरे हाथों की जी। चलो भाई वो सुना है, एक बार खाओगे बार बार आओगे जी, मैं चाय के लिए कह रहा हूँ, आप एक बार पियेंगे ना तो बार बार कहेंगे कि मुझे पिलाएं जी। गाइस हम जो ना फ्राइज को कवर करके रखे थे कि जब तक हमारी चाय रेडी होती है ना तो हमारे फ्राइज ठंडे ना हो जाए, तो फ्राइज को हमने कवर करके यहीं पर रख देते हैं। चलो भाई अभी चाय कितने लोगों ने पीनी है? सिर्फ दो लोग हैं, आप और मैं, बाकी सब सो रहे हैं जी। सब ने खाना शाना खा के चाय पी के सो गए हैं। अच्छा सब जो ना ऑलरेडी पी चुके हैं जी। चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, किस्मत में वकार की चाय नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो चाय वाली पतीली निकाल ली है, अब मुझे ये बताएं गैस इसमें आ रहा है उसमें आ रहा है? बताती हूँ। वाह भाई आज चाय बनाने लगा हूँ तो गैस भी आ रही है, क्या बात है भाई। अब मुझे ये बताएं कि आप जो है ना चाय दूध पत्ती पियेंगी सिर्फ दूध के साथ, या आपको जो है ना दूध के साथ पानी भी मिक्स करना पसंद आते? दूध के साथ पानी भी मिक्स। अच्छा मतलब मिक्स करेंगी जी, मतलब मैं करूँगा आपने मिक्स पियेंगी जी। चलो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, दूध के साथ
पानी। चलें जी दूध डाल दिया, अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं। काफ़ी है, ज़्यादा हो जाएगा फिर। ज़्यादा हो जाएगा, पतली हो जाएगी चाय फिर। चले इससे जो है मैं गाढ़ा करूँगा, टेंशन नहीं ले। आपको एकदम झकास रही, मैं अपनी रेसिपी बना रहा हूँ, ठीक है? चले तो अब जैसे ही बने ना वो मैं अपनी रेसिपी बनाऊँगा और आपको जो है ना पीनी है बस। जी जी, फातिमा को जो है ना इलायची वाली चाय पसंद है, तो एक अदद इलायची भी डाल देते हैं चाय में। इलायची को जो है ना हम खोल के डालेंगे। अक्सर मैंने फातिमा को बनाते हुए देखा ना, तो इससे जो है मुझे आइडिया हो गया, इलायची वाली चाय पीते फातिमा। तो गाइस मैं जो है ना कड़क चाय पीना पसंद करता हूँ, तो मैं डालता हूँ, वैसे अगर मैं बनाता हूँ दो बंदों के लिए तो एक जो है ना चम्मच पूरा डालता, लेकिन अब जो ना फातिमा के लिए बना रहा हूँ तो मैं जो ना हाफ चम्मच जो है ना पत्ती डालूंगा। ऐसे ही ना आप भी हाफ चम्मच ऐड कर देना जी। तो इसमें जो ना हाफ जो है ना चम्मच हम कर लेंगे पत्ती ऐड, और चीनी, और अब बारी है चीनी की, तो चीनी जो है ना हम दो चम्मच ऐड करेंगे। वैसे एक बात पूछूं जी, आपने बहुत छोटी सी फरमाइश की चाय की, कोई बड़ी फरमाइश की होती पाए बना दो, बिरयानी बना दो या पास्ता बना दो, इतनी छोटी फरमाइश क्यों की है? एक बार दिन मैं आपसे बनवाऊंगी पाए। वो भाई पाए वाकई बनवा लें वाकई? चलो ठीक है, छुट्टी वाले दिन ना जी एक काम करना, पहले आप मुझे बना के दिखाना। अच्छा। उससे दिन जो ना मैं बनाऊंगा, ठीक है? अच्छा। अभी जितने भी आपने जो ना पास्ता वगैरह बनाया ना वो उसका तो आइडिया हो गया, क्योंकि मैं जो ना अक्सर एडिटिंग करता ना, तो मुझे आइडिया हो गया किस तरह से आप कट करती हैं, तो मुझे भी ना सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है गाइस। और अगली बार जब आप बनाएंगे ना तो मुझे भी साथ खड़ा करना, क्योंकि मुझे भी ना चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, और मैं भी ना बहुत आजकल इंटरेस्ट लेने लगा कुकिंग में, तो मुझे भी गाइस कुकिंग का ना आहिस्ता आहिस्ता बहुत शौक हो रहा है। फिलहाल चाय से स्टार्ट करो, अभी चाय का देखते हैं फीडबैक कैसा मिलता है। तो आप जो ना जैसे ही बने ना ऑनेस्ट फीडबैक देना, अगर अच्छी हो तो अच्छी बोलना, अगर अच्छी ना हो तो भी बता देना, जो इम्प्रूवमेंट हो वो मिले आऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि अच्छी बनेगी चाय इंशाल्लाह, ठीक है? मैंने आपको देख के सीखा ना तो इंशाल्लाह अच्छी होगी, क्योंकि आप जैसे मैंने आज तक इलायची कभी भी ऐड नहीं की चाय में कभी भी, जैसे मैं बनाता था मैं मतलब जैसे ना पार्ट टाइम कभी बना ली चाय, तो कभी इलायची ऐड नहीं की थी, तो फर्स्ट टाइम मैंने ना चाय में इलायची ऐड की। मैं बताऊँ आपको मैं कौन कौन सी चाय पीती हूँ। मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ, पुदीने वाली चाय पीती हूँ, सौंफ वाली चाय भी पीती हूँ, और इलायची वाली भी पीती हूँ, और नॉर्मल। सबके मतलब के अलग अलग फायदे होंगे ना? नहीं, सब मुझे अच्छी लगती है इसलिए। अच्छा, सब अच्छी लगती है जी। मुझे जो ना इलायची वाली बस पसंद है, बाकी जो सौंफ वाली है अदरक ये वाली भी पसंद है। मैं सिर्फ जो ना नॉर्मल चाय पीता हूँ या तो इलायची वाली, गुड़ वाली भी होती है वो भी मुझे अच्छी लगती है। कितना टाइम लगेगा आपकी चाय को? भाई ये बकार की चाय, इसमें जो सब्र और तहम्मुल रखना पड़ता है, ऐसी वैसी चाय थोड़ी है, इस चाय को थोड़ा टाइम लगेगा। आपको मालूम है कि इफ्तारी के बाद चाय मैं बनाती हूँ ना डेली, तो आज मैंने नहीं बनाई ना, तभी तो आपको बना के पिला रहा हूँ ना मैं। आपने इतना सब्र किया, सब्र का फल मीठा होगा। आप सब्र और तहम्मुल रखें, आपको जो ना बेहतरीन चाय मिलने वाली है इंशाल्लाह, उम्मीद है, क्योंकि आप चाय बना रहे हैं इसलिए अच्छी ही मिलेगी चाय इंशाल्लाह। अरे भाई बन जा यार, गैस तो मैंने सही खोला हुआ है, फिर भी जो ना बहुत टाइम ले रही है। पकार की चाय ना टाइम मिलेगी, जिस तरह मेरी लेजी उस तरह मेरी चाय भी लेजी। अब देखो कब से उबाला नहीं आ रहा, ऊपर आता फिर वापस नीचे ले आता है, हालांकि मैं कुछ कर नहीं रहा। देखो आ जा आ जा आ जा प्लीज आ जा आ जा प्लीज आ जा यार प्लीज आ जा यार। देखो वहीं पर स्टॉप हो गया, देखो ये ऊपर नहीं आ रही। अरे बाहर गिरने लगेगी तो मैं तुझे खाऊंगा ना, मुझे बहाना मिलेगा उठाने का। अरे भाई वही जरा स्टक हो गई है, चाय रेडी हो चुकी है इसलिए वो ऊपर नहीं आ। मेरी रेडी चाय तब होती है जब जिना ऊपर गिरने लगती है, और ऐसे 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 अब ये रेडी है, अब ये रेडी है। आ जा आ जा जा चलो भाई आ जा आ जा आ जा और पड़ा। टन टन, सो गाइस चाय रेडी हो चुकी है फाइनली। तालियां बजाओ, मैं नहीं बजा सकता ना वरना चाय नीचे चली जाएगी, कोई आप भी नहीं बजा सकती, आपके हाथ में कैमरा है। चलो खैर तालियों को छोड़ो, अभी चाय डालते हैं इसके अंदर। तो देख रही हैं आप मेरी कैलकुलेशन, पूरे दो कप बनाए, पूरे ना ज़्यादा ना कम, पूरे एक दो कप बनाए।
वाह भाई टैलेंटेड है, माशाल्लाह। तो भाई आज जो है ना आपकी फरमाइश पे मैंने चाय बना ली है, अभी चलते हैं छत पे, मेरी फरमाइश पे छत पे बैठ के एंजॉय करते हैं चाय और फ्राइज। और अगली बार ना कोई बड़ी फरमाइश कीजिएगा, ठीक है जी। तो चले अभी ऊपर चलते हैं। गाइस यहाँ पर जो ना आके सुकून मिल गए, नीचे तो काफ़ी गर्मी लग रही थी भाई, चाय बनाने में इतनी हालत टाइट हो गई मेरी, पाए कैसे बनाऊंगा मैं। आप लोग अफ्तारी के टाइम जब बनाते समोसे पकौड़े वगैरह उस वक्त गर्मी नहीं लगती आप लोगों को? नहीं उस टाइम मुझे तो गर्मी नहीं लगती। वाह यार सही हिम्मत है भाई आप लोगों की, ज़बरदस्त। मेरी तो भाई हालत टाइट हो गई, यहाँ पर आके ना थोड़ा सुकून मिला है, पसीने निकल आए। और आपको पता है यहाँ पर ना रात को 12 बजे के बाद ना ठंड बहुत ज़्यादा हो जाए छत पर। हाँ ना अभी 12 बजने वाले मेरे ख्याल से, और यहाँ पर छत पर जो भी चीज पड़ी थी वो गीली होने शुरू हो जाती है ना जी। हाँ तो चलो भाई चाय पियो जल्दी से, ठंडी ना हो जाए, इतनी मेहनत और पसीने से बनी है चाय, आप पियो और बताओ कैसी बनाई है मैंने चाय। चाय देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। आप पियेंगी, पीने में भी बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह, आप पिए तो सही। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई है। अच्छी बनाई है, पक्की बात है? पक्की बात है। क्या बात है भाई, क्या बात है मतलब सक्सेसफुल चाय निकली भाई जी। और तो अभी मेरे हस्बैंड ने बनाई थी मेरे लिए चाय, चाय वाले बर्तन है, और ये जो वॉश किए थे ये सूख चुके हैं, तो इनको भी सेट करके रखते हैं, कहीं ये गिर कर टूट ना जाए, उससे पहले हम इनको संभाल के रख देते हैं। और जगह भी साफ करते हैं और चूल्हा भी साफ करते हैं। अच्छा तो गाइस इस वक्त रात के हो रहे हैं 2:35, और रात के इस वक्त मैं फातिमा के लिए गाइस देखें क्या लाया हूँ, ये सेलेंटी आपने खाई है पहले जी। इस तो मैं इस सेलेंटी की बात कर रहा था कि पास्ते का ना ये वाला शेप मुझे पसंद है, पास्ते का शेप ऐसे ही होता है ना जी। हाँ एक टाइप का होता है नूडल्स की तरह, वो भी अच्छे होते हैं, वो मुझे ज़्यादा ये पसंद है, इसके साथ पैनी पास्ता कहते हैं। खैर सेलेंटी का शेप कहता मैं तो। और इसके अलावा गाइस मैं लाया हूँ उलजियम्स, ये खाई कभी? ये खट्टी मीठी होती है, ये खट्टी मीठी सोर लिखा हुआ ना, खट्टी मीठी वाली पसंद है ना आपको? तो गाइस ऐसे लगता है कोई बच्चा जो ना वही खाएगा ये चीज़। हाँ तो बच्चे वाली चीज़ें ही आपको पसंद है इसलिए मैं ये लाया हूँ, आपको पसंद नहीं आई? पसंद नहीं है, थैंक यू। वेलकम। एक चीज़ और नोटिस किए जी, ये चीज़ें मैं दो दो लाया हूँ जी, पता है क्यों? एक तेरा एक मेरा, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा और ये मेरा मजाक करो, ये हाफ एंड हाफ, ठीक है? आज आपका आज मेरा, चलो ठीक है चलो अभी सो जाएं, सहरी के लिए भी उठना है जी, आपने सुबह ऑफिस भी जाना। चले जी सहरी का टाइम है 5:30, तो अभी थोड़ी देर सो जाते हैं और फिर मिलते हैं आप सब से गाइस सहरी के वक्त। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं? ठीक ठाक। सहरी कर रही हैं? हाँ। और अम्मी और खाला सहरी जो है दोनों इकट्ठे ही करती हैं, और इकट्ठे ही सोती हैं, इकट्ठे बैठती हैं, इकट्ठे बातें करती हैं, मिल बांट के इंजॉय कर रही हैं। और सुनाए अम्मी रोजे कैसे जा रहे हैं आपके? चलें चलिए आप सैरी करें, चौमी के पास पानी भी है तो अम्मी को चल के पानी देते हैं, आटा उठाते हैं और पराठे बनाते हैं। अभी मैंने पराठे बना लिया और साथ ही में दही भी ले लिया कटोरी में, और यहाँ पर बन रही है हमारी चाय। और अभी कुछ बर्तन हो चुके, सहरी हो जाए उसके बाद अजान होगी, फिर नमाज अदा करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे और फिर बर्तन वॉश करेंगे। तो अभी चाय बनी उसके बाद कितना सहरी। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें तैयार कर ली हैं, चाय भी बना ली है, सालन भी गर्म कर लिए, दही भी ले लिए, पराठे भी तैयार कर लिए और साथ ही में चीनी भी ले लिए ताकि दही में मिक्स करके फिर खाएँगे मीठी दही। और इसी के साथ चूल्हा भी वापसी पर साफ करूँगी और जो बर्तन है वो भी वापसी पर ही आकर वॉश करूँगी। चलें जी तो अभी आए हैं हम ऊपर सहरी करने। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक गाइस, नाश्ता कर लें, गाइस सहरी कर लें, पहले टाइम ख़त्म ना हो जाए पहले सहरी कर लेते हैं। अम्मी रोज़ा रख लिया आपने? हाँ। अभी सोने जा रही हैं? नमाज पढ़ूंगी जी, तो फिर चलें जी। तो सहरी बीमारी हो चुकी है और अजान हो चुकी थी तो नमाज भी मैंने पढ़ ली है और साथ ही में कुरान पाक की तिलावत भी कर ली है। तो अभी जल्दी से बर्तन वॉश करते हैं। चलें जी तो किचन हमारा बिल्कुल साफ एंड क्लीन है, तो अभी चलते हैं थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। तो अभी लाइट्स ऑफ कर देते हैं क्योंकि अभी दिन भी होने वाला है। वो देखें दिन भी हो रहा है।
hours later. अच्छा जी, इस वक्त सुबह का टाइम है और इस वक्त हम आए छत पे और आज तो गाइज धूप बिल्कुल नहीं निकली हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। तो गाइज ऑफिस जाने से पहले हम आए छत पे। जैसा कि हमने बताया था कि सुबह जो है ना हम सहरी के बाद, वैसे सोचा था कि परिंदों के लिए यहाँ पर दाना और पानी रखेंगे, लेकिन जो है ना सहरी के बाद मैं गया था सो। तो अभी ऑफिस जाने से पहले मैं और फातिमा आए छत पे। चलें जी, ये लें, आप रखें अपने प्यारे हाथों से। कहाँ पर? वहीं पर जहाँ पर आपने डिसाइड किया था। हाँ, वैसे कबूतरों ने आपको कहा था कि यहाँ पर रखना है जी। आपकी दोस्ती हो गई है जी। चलो भाई, मुझे लग रहा है कि 5 मिनट तक जो है ना यहाँ परिंदे जमा हो जाएंगे, वो देखिए सब आ रहे हैं। चलो फिर जल्दी से रख दो, सुबह का टाइम है उनके ना ब्रेकफास्ट का टाइम है। चलो भाई, अब जो है ना पानी फिल हो रहा है और ये डेली करना है। चलें जी, हमने जो ना पानी और दाना डाल के रख दिया है। गाइस जितने भी देखने वाले उन सब के लिए हमारा यही मैसेज है कि ये नेकी का अमल आप भी करें। और चलें जी, अभी जो है ना मैं ऑफिस निकलता हूँ। एक कबूतर है सामने बैठा हुआ है, वो देखो जी, ये देखिए गाइस। हाँ, हम जैसे जाएंगे ना सब आ जाएंगे। आपने कुछ कहना है जी? चलें जी, कहे। सबका होता है और इससे नेकियां भी मिलती है बहुत सारी। ये काम मुझे करना बहुत। चलो यही करता हूँ आज का व्लॉग एंड, और उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, इसके लिए शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टाटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।